लगे डर लगता है क्योंकि इतने जंगली जानवर वगैरह भी हो सकते ने। इस जगह तो ना बन टुट गया है, कवर करने की बड़ी जिम्मे मैं इधर आया आ गया तो उधरों ना आ थलों कुछ पुल का व्यू है गया। देखो ब्लाक बने हुए ने गे तो यह ना इतों पाकिस्तान के समय इंजीनियर वगैरह नहीं सी। तो देखो ये बाबा जान तो बच्चे जड़े ने गे तो छां से बैठे ने गे तो इधर जी जरा है ना ज्वार के गन्ने तोड़े जा रहे ने गे जेडे मिठी बिचों होंगी ना ज्वार अच्छी खावन वाले काफ़ी ने गे तोर तक दरिया है वैसे ना इन दिनों दरिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है साढ़े देखने वाले तमाम भैन भाई जरा था फजल से करम नसी बिल्कुल ठीक ठाक कमेंट करना साढ़े देखने वाले तमाम भैन भाई जेडे मुल्क हैं जितने ने हमेशा खुश रहें बाद रहे हमेशा हंसते थे मुस्कुराते रहने साड़ी ड्रेस दुआ होने की दादे नाल सन रखा दुआ याद जल्दी जल्द जाकर फिर साढ़े चैनल सबसक्राइब कर लो नाल वीडियो लाइक भी कर लो हो सके तो अगर रिश्तेदार दोस्तों भैन भाई के वट्सएप से साड़ी वीडियो का लिंक शेयर भी कर दो। तो जिमें कि तुम पता साढ़े घर आए उन्हें मेहमान तो पहले टाइम मैं विलाग पहले वाला खत्म करता खाना वगैरह वो पका रहा है तो खाना खाने तो बाद नींद बहुत ज़्यादा आ गई हैगी तो मैं सो गया सो तकरीबन हूँ तो साढ़े चार बजे ने गए हूँ जाके आ गया तो हूँ सब तो पहले तो जाके ना असनैन और ट्यूशन छड़न जान लगे आ गया तो उधरों आ के फिर इन्हों घुमान फिराने भी लै जाना है पहले से देखना सी कितने घुमान फिराने लै जान लगे आ गए तो उधरों आंटी और इन्हों परिश्वर वास्ते सारे वास्ते समझ लो कि नवे कपड़े लैके आई हैं सिलाई करके सुनैन वास्ते तान लै आई हैं क्योंकि आंटी बच्चे समझ लो मुंडिया के कपड़े इन्ना सिलाई नहीं करने आते हैं औरतों के कपड़े माशाला बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन ने गए उन्होंने सिलाई करने आते तो बाकी कि हाँ अगे एक बार आंटी सिलाई कर कपड़े लाए ना सारे वास्ते शापर भर के सिलाई करके ले आंदा पता नहीं इतना कपड़ा कित्थों ले आएगा सारे रिश्तेदार समझ लो कपड़े जो भी आंदी हर वे सिलाई नाल करके ले आंदी ने अपने अपने कुंज के रखे बाकी आ बाकी दे कपड़े सी मैं होर तां आंटी होर दे समय मैं नहीं ना वेखे सी आंटी जान जो दे रहे सी मैं आई वेखे आयशा दे सीते सताए नहीं गए ते अम्मी जान दे सिलाई हो जाने ने आ गए हूँ अम्मी जान जल्दी जल्दी ना जाके आप छे परिशोर कटाई हो चलो ठीक है जल्दी जल्दी चलिए जाके ना परिशोर छे असल ट्यूशन तो लेट काफी हो गए
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ, ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਫੇਰੇ ਬਣਨੇ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਬਜਦਾ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਆਉਂਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖਣੇ ਆਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇਗੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜੇ ਲੈ ਜਾਵਣਗੇ ਅਤੇ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਫੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇਗੇ ਦਰਿਆ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੌਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਤਨੇ ਕੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਲਏ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ 3.5 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੇਖਣੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਛਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਵਾਰ ਦੇ ਗੰਨੇ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਂਡਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪਦੇ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾ ਰਨ ਗਿਆ, ਟਵੀਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਟਵੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਾਦੀ ਜਾਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਟਵੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਆਮਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਟਵੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਕਿਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਬਹਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ, ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, 2 ਫੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹਨੀ ਔਰਨ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਹਨੀ ਔਰਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਔਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾਗੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਤਲਾਈ ਕਰਾਵਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਰਿਆ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੰਦ ਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੁੱਟਣਾ ਖੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਬੰਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਖੋਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਦਬਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਪੱਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਵੇਰਿਆ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਪੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਉਸ
ਆਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। इतने आ गया तो अंकल उन्होंने किलो मछी का ऑर्डर भी देता है। अम्मी जान भी इतने बह गए नेगे, उन्होंने कहा पिछली बारी भी जी थी मछी दी ना उन्होंने चंगा से असं एवं चले जाते कहते हूँ ठीक होगी। तो इस साइड तो ना दरिया पानी कटे हुआ, परली साइड तो हम दरिया बहुत है बरीक बरीक इधर जी पिछों जमीन वगैरह लुड़ के आए ना सारी मिट्टी इतने आ गई हुई है। इतने थले इतना ज्यादा पानी नहीं है तो पाई और मैं लगता कुंडिया वगैरह ला के ना मछियां फड़ रहे हैं। और देखो कुंडिया लाई हुई उन्होंने, पानी रुके होने ना तो मच्छी वगैरह तो काफ़ी होनी है, फड़ रहे बेचा इत जे तल के बेचने वाले ने इन्होंने बेच देंगे होने। चलो ठीक है मैं जाना फोन फड़ लो जाना आ गया मैं, बाकी आंटी और लैके आ गया आगे तो माशा लाई फिश हैगी उन्होंने तलाई। अम्मी जान किलो उन्होंने किया किलो तले पुछ लेना हूँ जाके। तो ऐसे वजह तो ना समझ लो कि मैं गया आ गया पहले अम्मी जान छड़ के चलो तो टाइम तलाई जी हो जाए फिश की पुछ लेना हूँ जाके। बाकी फिश जी खा ली अज बड़ी मजेदार बनी हुई सी यकीनन। अगले दिन तो बस ने एवं वो तलाई से लेट हो गई तो ठीक भी नहीं तलाई हुई हुई सी। तो उधरों देखो कि सुनसान जी जगह कि वड्डी वड्डी आ एक काने होंगे ने गे जिंदी सिरकियां वगैरह नहीं बनी होंगी छप्पर वगैरह तो पाने ये काने के पौधे ने वैसे इन सारे भी सदे ने गे सारे होंगी जो छोटी छोटी जो व्डे हो जाते फिर इन काने सदन लग जाते हैं तो सारे मेरे पिछे आ रहे ने गे जिम्मे मैं इधर आया है। तो उधरों ना आ थलों कुछ पुल का व्यू है देखो ब्लाक बने हुए नेगे। तो यह ना इतों पाकिस्तान के समय इंजीनियर वगैरह नहीं सके चाइना चू आए थे तो उन्होंने ये सारे जी पुल जी सैटअप किया गया। तो थले खटाई बहुत ज़्यादा इन्होंने की जो ना ए थले का डैम्प भरया बहुत ज़्यादा थले खटाई हुई है। परली साइड दरिया बड़ी स्पीड ना बह रहे लेकिन ना इस जगह तो रुके हुआ इतने थले ना मछलियाँ वगैरह फिर अगर भाई और ही पकड़ रहे थे। तो वैसे वे इतनी ज़्यादा गहराई नहीं हैगी वो सामने वेखो ना निकली पी है सारी रेत वगैरह तो इत इतनी गहरा नहीं अगे गहरा हो सकता उस जगह तो इधरों पानी जा रहा उत्तों कोई चीज़ गुजरती है ना तो आवाज़ बड़ी खतरनाक आती है। इतने छोटी छोटी मछलियाँ फिर हाल चाल हो रही हाँ बाकी हम इतने घूमने फिरने आ गए तो उस तो बाद फिर चलेंगे इन शाह तला घर तो अबू जहान जेडे आके फिर सू लै जावे इतों नार ला के एक जावे परिंद जड़े ने अपने घर जा रहे हैं गे। देखो सारा दिन अपने खाने की तलाश करके खा पी के मौज ना सोच रहे ने किधर न जाई। चलो ठीक है उत्तर मोटरसाइकिल पहले जाके लाक लाने फिर चलने इधर घूम फिर के स्नैन के शेर भी रहते नहीं उत्ते मोटरसाइकिल वो सामने थले रोकता है लाक भी लाता है तो उधरों ने तुम उत्तों ही दिखाना है थला तो किदा दिखाई जाएगी। तो देखो इधर थले वो सामने अम्मी जान और गुड्डे ने गए तो इतों उत्तो दान दिखाना किन्ने किन्ने लगते ने गे ए थले ना होल बने हुए ने गे पानी वगैरह लवन वास्ते पानी वगैरह थले लेंदा है। तो देखो माशाल्लाह क्या बात है अम्मी जान और स्नैन स्नैन देखता फिरदा मछलियाँ मछलियाँ आल चाल कर दियाँ तो दिल करता देखा। चलो हूँ फिर थले चलने उदा ना रात में इतने लाइटा वगैरह नहीं जल्दियाँ नेगियाँ जो नवी नवी पुल बनी सी लाइटा वगैरह जल्दियाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी आँदी है लेकिन ना पिछों खराब हो गई तो हूँ ना जलाता ही नहीं नेगा पता नहीं बिजली वगैरह इधर नहीं आती की वजह है। देखो कनैक्शन वगैरह ही लगे हुआ है लेकिन जलाते ही नहीं बिजली पी है कट के नाल बनी हुई है पता नहीं की वजह है क्यों नहीं बना जलाते ने गे। वैसे तो ना जेडे थले किल जे लगते ने गे ये भी इन्होंने नवे लाए ने जलते ने तोड़ तक
रोड का काम काफी हो लेकिन लाइटिंग वगैरह नहीं उन्होंने ठीक की। चलो सर बड़ी मुश्किल ना काबू बंदा होता है। थले जी आ गया बाकी ना सुनसान जी जगह ते जामन लगे डर लगता है क्योंकि इतने जंगली जानवर वगैरह भी हो सकते ने क्योंकि दरिया जहा इलाका होंगे इतने सूअर वगैरह बहुत ज्यादा पाए जाते कतलियां भी बहुत भैड़िया मारते हैं गे यो जी लोकेशन से ना यो जी चीज़ा हो सकती खतरा है वैसे लाइन वगैरह तो भी होना इतने होंगे है क्योंकि अभी एक बिलकुल सुनसान सुनसान इस तरह कोई ना जंगल दे विच आ गया होंदा ते आज फिर तुहानू इह वाला जिहा जंगल हैगा विजिट ना कराओ बाकी इस साइड तो पुल देखो माशाअल्लाह मैनू अगे जाने का दिल ही नहीं कर रहा डर लग रहा है क्योंकि इंशाअल्लाह ताला कदी ना दोपहर टाइम आवेंगे फिर इत्थे फिरदे होंदे ने बाई बूई उदों बंदा चला जाए कोई नहीं खतरा होंदा इस टाइम होंदा वेला या टाइम कोई अगर खतरा भी होना कोई जानवर वर वगैरह भी फिरदा होवे फिर कोई बचांदा भी नहीं है उस जगह तों कि वह सैड जी थानू थोड़ी बहुत ही विजिट कराती हैगी अगर जा मैं डर लग रहा है थोड़े जे खुले खुले ने गए देखो तो इतने चलने कोई खतरा नहीं है तो नाल बाई और बैठन तो सब खाण पीन आ गए काफ़ी थका हो कर बैठ तो डर खतरा नहीं होंगे वो जगह ही समझ सुनसान जी से परले जहा बन है उन कोई दुकान वगैरह भी नहीं है कोई इतने तो देखो मच्छी खावन आए काफ़ी ने गए तो नाल नाल तौर तक दरिया है वैसे ना इन दिनों के दरिया जो इलाका इतने सप वगैरह बहुत ज्यादा उन्होंने इन्हों का भी एहतियात करनी चाहिए ए देखो इतों भी नालों नाल दरिया जहा बह रहा है ए सारी जी मिट्टी पिछू लुढ़ के आई है ना दरिया पिछू जरा बंद आ रहा है सारिया फसलों वगैरह भी सीटी वो वाली मिट्टी है उन्होंने फसलों की इतने आई है तो यह माशाल्लाह ना उत्ते खाने के लगते ने गे बहुत प्यारे प्यारे फुल जे देखो जंगल के बाकी चलने अगे हम फिर जितना घूमना फिर मैं घुमा फिर देखो माशाल्लाह लै आनिया ए तोड़ ले आनिया ने किन्ने कट्ठे किए इन्हें इंज नहीं टुटने इंज नहीं टुटने उतो तोड़ने पैने ने खिंचया नहीं लेंदे चलो बाकी इतने तो चिट्टे चिट्टे जो फुल कट ने ना जी अगे वो लोकेशन ने दरिया की दरम्यान उत्थे बहुत ज्यादा इतने जो आंदा जाता है तोड़ लेंदा है माशाल्लाह बहुत ज्यादा इतने खड़े ने गया देखो खूबसूरत भी तोड़ता बाकी इतने ना शोर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का जो ब्रिज उनके थले नहीं इतना ज्यादा शोर तो उन्ना अंधेरा अंधेरा जो हों जा रहा अबू जान ही उधरों आ गए ने गए शहरों निकल पे हुए कहते ने मैं आ रहा गया तो फिर आ जाते ने चलने आ गए अम्मी जान जी ने जान लगे उतों बाकी हम सिर्फ ना अबू जान के आवन का इंतजार है फिर इंशाल्लाह ताला घर चलने आ गए उधरों ना देखो माशाल्लाह परिंदे ये मस्तियाँ कर रहे हैं इन्हें नाम तो नहीं मैनू आता लेकिन ना ये मछलियाँ के बच्चे वगैरह खाते ने गे तो रात टाइम का दरिया रावी का व्यू देखो खामोशी जी बिल्कुल छा जाती बिल्कुल खामोशी अगर नाल रोन ना हो बिल्कुल मैं करना करना सीटी बजे इतनी ज़्यादा खामोशी हो खामोशी की वजह तो बंदा यार तंग आ जाए बहुत ज़्यादा यकीन कर जो सुकून है अगर घर बने हो ना सामने विचली जगह तो दरिया दे मैं कहना रात में बंदा सुकून ना सवे कोई आवाज़ बूज ना नहीं होनी है तो उधरों जिमें तुम पिछली वीडियो दसिया कि आंटी और चैनल के नाम हैगा हानिया ऑफिशियल लेकिन मैं नाम चेंज करके हबीबा ऑफिशियल रखता सीगा क्योंकि जी बेटी हबीबा हैगी व्लॉग वगैरह बनाती हैगी लेकिन हानिया ऑफिशियल से सर्च करोगे फॉरन इन्हें चैनल आ जाना वैसे आंटी का जो कमेंट हैगा वह भी मैं पिन कर देवगा पहले कमेंट या कुछ उन्होंने लाजमी सबसक्राइब कर लेना बाकी अबू जान भी आ गए ने गे तो हूँ फिर चलने जल्दी जल्दी अम्मी जान रो बिठा ली आंटी और मैं बिठा लेना आ गया चलने बाकी इतने घर आ गया गए तो हूँ फिर ना मैंने एक तो नींदर बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि थकिया बहुत ज़्यादा कोता मोटरसाइकिल चला चला के तो वीडियो जी भी अपलोड करके सोना है दवाई वगैरह बाद मैं लवागा क्योंकि जो फिर मैं सोना मैं पता ही नहीं चलना दवाई ले होगा जहाँ भी लाग आता खत्म तुम्हें चल लगे लाग चैनल सबसक्राइब करना वीडियो लाइक करना दस शेयर करना पता।